समस्या एक्चुअली हम लोग का जो जो पहले का जो घर था वो लैंडस्लाइड में चला गया था, तो हम लोग को गोवा रिहैबिलिटेशन जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हम लोग को रिहैबिलिट किया इधर। तो अभी जो बांध के दिया है वो हम लोग के नाम पे नहीं है, लीगली नाम पे नहीं है, वो सिर्फ जीआरपी के नाम पे। तो हम लोग का एक ये है कि हम लोग का ये घर नाम पे करके दे सके, वही अपना ये मेन जो ये है चीज़ है। तो क्या लगता है राहुल जी, आपकी बात सुने और कैसा लगा आपको? हाँ बोला राहुल जी से इतना ही गुजारिश करूँगा कि हो सके तो अपने गोवन जो यंगस्टर जो है वो लोग को जॉब के लिए थोड़ा मदद कर सके, यही मेन समस्या जो है गोवन यंगस्टर के। ये महंगाई हो, ये सरकार आया ना कि वो 10 साल चला है तो महंगाई इतना बढ़ गया, डीजल बढ़ गया तो सब महंगाई बढ़ेगा ही, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, ऐसा सरकार क्यों चाहिए हमें? जो सरकार ऐसा चाहिए कि गरीब भी कुछ 2 वक्त खाना आराम से खा सके। वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड सब अच्छा गया हमारे साथ इंटरेक्शन जो उनका था, और हमने मेन इश्यूज़ हाईलाइट किए उनके सामने कि हमारे इश्यूज़ है, तो उन्होंने बोला कि अगर सरकार आएगी तो हमारा काम ज़रूर कर लेगी। मेरी मम्मी अकेली कमाती है, बहुत टफ है हमारे लिए, तो हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, इसकी वजह से आगे मैं पढ़ रही हूँ। मैंने उनके सामने कुछ चीज़ें हाईलाइट की जो हमारी कॉलोनी की प्रॉब्लम्स थी। हमारे ये जो घर है ये हमारे नाम पे नहीं है, कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, हमारे घर नाम पे घर नहीं है। तो बीजेपी गवर्नमेंट आया ना, हमारा भारी छोटा लोग बड़ा लोग वो सब लोगों को ख़त्म किया, और हमारा इधर मामोलिन सांता क्रूज और नावशी गांव है ना, वो मरीना प्रोजेक्ट आता वो बंद करने का, वो छोटे लोगों को पेट के लिए रोज रोटी खाता है, लेकिन वो लोग बीजेपी गवर्नमेंट आर को इधर मरीना प्रोजेक्ट बनाने का नहीं मांगता है।